नमस्कार दोस्तों सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में एक प्रॉब्लम मैंने ली है यहाँ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इस सिग्नल का फाइंड आउट करेंगे इससे पिछले वीडियो में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ड्राइव किया था लेकिन टू फाइंड आउट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम वो फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि टेक्निक कैसे काम करती है और क्या प्रोसीजर आपको एग्जैक्टली exactly फॉलो करना होता है एफ ऑफ एस सिग्नल दे रखा है दोस्तों एस प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एस प्लस वन इन टू एस प्लस सिक्स ठीक है सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए एफ ऑफ टी टाइम डोमेन सिग्नल है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एस से रिप्रेजेंट होगा तो यानी अगर दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल दे रखा है एफ ऑफ एस तो आपको अब टाइम डोमेन सिग्नल अगर निकालना है तो उसके लिए आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ता है यहाँ पे दोस्तों जो एक्सप्रेशन है वो एस प्लस फाइव डिवाइड बाई एस प्लस वन इंटू एस प्लस सिक्स है राइट तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो आपके डिनोमिनेटर की डिग्री है वो नोमिनेटर की डिग्री से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए अगर आपके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हैं तो उस केस में सबसे पहले डिवाइड करेंगे डिवाइड करके एक आपका फैक्टर अलग होगा बाकी बचे फैक्टर में डिनोमिनेटर की डिग्री नोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे एक सिंपल सा केस मैंने लिया है आने वाले वीडियोस में हर पॉसिबल केसेस पे मैं मैनोमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा तो यहाँ जैसा पता है कि डिनोमिनेटर की डिग्री ऑलरेडी नोमिनेटर से ज़्यादा है तो जो पहला फैक्टर है एस प्लस वन इसके लिए एक कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेते हैं लेटर से ए तो ए डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर दैट इज एस प्लस वन दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों उसके लिए दूसरा कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेते हैं दैट इज बी प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर दैट इज एस प्लस सिक्स ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें एलसीयम ले लेंगे तो ये क्या है एस प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एस प्लस वन इन एस प्लस सिक्स यहाँ से जब मैं एल सी एम लूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट एस प्लस वन इन टू एस प्लस सिक्स दोस्तों एस प्लस वन से एस प्लस वन कैंसल ए के साथ एस प्लस सिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा सो ए इन टू एस प्लस सिक्स प्लस एस प्लस सिक्स से एस प्लस सिक्स कैंसल बी के साथ एस प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी मल्टीप्लाई एस प्लस वन अब दोस्तों इसके डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा तो डिनोमिनेटर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं तो ये बनेगा एस प्लस फाइव इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस सिक्स प्लस बी इन एस प्लस वन अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट हो सकती है या तो आप इसे कंप्लीट सोल्व कर लें और कॉफिशेंट्स को कंपेयर करें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी दूसरा तरीका है दोस्तों पहले इस फैक्टर को जीरो बना दें ये फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी फिर इस फैक्टर को जीरो बना दें इसकी वैल्यू आ जाएगी अगर दोस्तों मैं एस को माइनस वन पुट कर लेता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा तो ये कंडीशन आप यहाँ पुट करें माइनस वन प्लस फोर प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू फोर ए इंटू माइनस वन प्लस सिक्स दैट इज़ इक्वल टू फाइव यहाँ से दोस्तों जो ए है वो आपका फोर डिवाइडेड बाई फाइव दूसरी जो कंडीशन है वो क्या अब इस फैक्टर को जीरो बना लेंगे यानी एस को माइनस सिक्स पुट करें तो क्या बनेगा माइनस सिक्स प्लस फाइव दैट इज़ माइनस वन ये जीरो हो ही चुका है बी माइनस सिक्स प्लस वन दैट इज माइनस फाइव यहाँ से दोस्तों आपका जो बी है वो बनेगा वन अपॉन फाइव ए आ चुका है बी आ चुका है अब इस इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हो एफ ऑफ एस जो दे रखा था वो ये था इज इक्वल टू ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस ए की वैल्यू आ चुकी है दिस इज इक्वल टू फोर बाय फाइव डिवाइडेड बाई एस प्लस वन प्लस बी क्या है वन बाय फाइव तो ये हो गया वन अपॉन फाइव डिवाइडेड बाई एस प्लस सिक्स अब दोस्तों जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है इससे हम डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं वो कैसे देख लीजिए हमें पता है कि जो U ऑफ t सिग्नल होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एस है तो अगर वन अपॉन एस दिया हो तो उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा U ऑफ t अगर इसके साथ e की पावर माइनस टी मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉपर्टी कहती है कि अब जहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में s था वहां s प्लस वन हो जाएगा तो ये बनेगा दोस्तों वन अपॉन एस प्लस वन ठीक है अगर मैं यहाँ कोई स्केलर मल्टीप्लायर डाल दूँ तो ठीक वही स्केलर मल्टीप्लायर फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी चला जाएगा तो फोर बाय फाइव अगर मैं लिख देता हूँ फोर बाय फाइव ई की पावर माइनस टी यू ऑफ़ टी तो क्या बन जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म फोर बाय फाइव तो है मल्टीप्लाई वन अपॉन एस प्लस वन राइट और यही एक्सप्रेशन यहाँ गिवन है इसका मतलब दोस्तों इस एक्सप्रेशन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फोर बाई फाइव इंटू ई की पावर माइनस टी यू ओफ टी और सिमिलरली इसका क्या होगा वन बाई फाइव एस प्लस सिक्स है तो इसका मतलब ई e की पावर माइनस सिक्स टी होगा राइट तो अब जो एफ ऑफ एस था यहाँ पे इसको लिख लेते हैं फोर अपॉन फाइव डिवाइडेड बाई एस प्लस वन प्लस वन बाई फाइव डिवाइडेड बाई एस प्लस सिक्स तो अब हम क्या करेंगे टेकिंग इनवर्स लापलास ट्रांसफॉर्म राइट तो एफ ऑफ एस है ये बेटे एफ ऑफ टी में कन्वर्ट होगा ये मैं यहां बताई चुका हूं ये होगा आपका फोर बाय फाइव इंटू की पावर माइनस टी यू ऑफ टी प्लस ये कितना होगा वन बाई फाइव डिवाइडेड बाई एस प्लस सिक्स एस प्लस सिक्स यानी e की पावर माइनस सिक्स टी यू ओफ टी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वन बाई फाइव इंटू ई की पावर माइनस सिक्स टी इंटू यू ओफ टी ये आपका फाइनली आंसर होगा इस तरीके से इस टाइप के सिंपल से प्रॉब्लम्स आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कि अगर एक्सप्रेशन में कुछ डिफरेंट होता तो क्या होता आप चिंता मत करें जो भी यहाँ प्रॉब्लम दी गई है उस प्रॉब्लम पे फोकस करें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सोल्व करना मेरी हेड है हर नेक्स्ट वीडियोस में आपको हर टाइप की पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन सोल्व करके आपके सामने अपलोड हो जाएंगे तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा नेक्स्ट जो वीडियो uh, होगा वो भी इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो